वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस एडवांस यादव वंस अगेन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग रियली ग्रेट। सो गाइस मैं निकल रही हूँ अपनी फ्लाइट के लिए और आज मैं जा रही हूँ सिंगापुर और लेट्स गो। अभी तक कुछ खास मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स सी। बाय पापा। ये भी प्राइस डिसाइड करने में लगी है भाई साहब, कौन सा ज़्यादा अच्छा वीडियो कॉल पे दिखाई जा रही है। फिर ये भी वीडियो कॉल पे लगी हुई है। ये भी मैंने अभी जो लिया है वो लिया है, एक बैग लिया है और वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि मेरे मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं और हम हो चुके करीब, इससे मैंने करी है दो शॉपिंग और तो भाई सबको भूख लग रही है और ये पे अपने सारे पैसे खत्म करते हैं। कैसे जाता है हमारा अलाउंस, कैसे जाता है देखो। पता है लास्ट टाइम ना हमारा काउच ना उस साइड था और ये पूरा बाहर का व्यू था। अरे यार आज हमें बाग टब के साइड में ये व्यू मिला है। व्हाट अ व्यू। क्या हमें कोई बाहर से देख सकता है? डेफिनेटली आई थिंक यस, है ना। हम यहीं से वॉक करते करते जा रहे थे। वाच ये मेरा बैग भरा हुआ है और मैंने दो बैग ले लिए हैं। हाँ तू तो पर तेरा ही बैग खाली है ना भाई। देख सोचना तो पड़ेगा वरना इधर को बैग जो 5,000 है ना वो ऐसे बर्बाद जाएंगे। अब मैं सोची अपने पुराने कपड़े या चाहे फेंक के चले जाओ पर मैं लेके तो जो जाऊँगी इसको। मेन प्रॉब्लम हमारी यही होती है बस, है ना, इसको अंदर। मैंने बड़े कॉन्फिडेंट अगली बार से ऐसे कभी नहीं करूँगी मैं जिंदगी में, दूसरे टोट बैग लेके आऊँगी सोच लिया। मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगी शॉपिंग इसलिए मैं दूसरा बैग नहीं लेके आई, अगली बार से ऐसे बिल्कुल नहीं करूँगी। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है हम लोग का, तो इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और हम जा रहे हैं। हमारी चार्जिंग हो चुकी है, मैं फ़ोन के चलो भाई सुबह आके चार्ज करेंगे। चलो भाई उनके दरवाज़ों के आगे नॉक करना शुरू करते हैं हम लोग। उनका रूम नंबर क्या था? 266 है ना। 266 को जाके नॉक करके आती हूँ मैं। कब आ रही है? रूम खोल वरना हम तेरे को 2 मिनट में छोड़ के जा रहे हैं कनक, तेरे से बदतमीजी का। यही मुझे फॉरेस्ट कार्ड दिया ये, या किसी प्लानिंग तो नहीं। अबे सुन ओ वाओ यार चलो चलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे जी कहाँ से जाएंगे? चलो चलो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। फाइनली पहुँच चुके हैं ज्वेल्स, सो प्रिटी। और अभी तो लाइट शो भी होगा और ये सारे इंडिगो ग्रू भाई साहब क्रू भरा हुआ है ये तो। तो ये देख सकते हो गाइस हम आए थे यहाँ पे, हमने सोचे बैठे नीचे खाना खा रहे थे और मुझे लग रहा था कि बंद हो जाएगा और ये हो चुका है बंद। सो या पर हम कल मॉर्निंग में आके देख सकते हैं, बट मॉर्निंग में मज़ा नहीं आता। दिस इज हाउ इट इज। और ये बीच में से पानी फ्लो होता है यार, क्यों शेट में हम गए भी क्यों? अच्छी बात है मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली थी एक एटलीस्ट। अभी स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है ना। हाँ वो अभी अपने छोटे बच्चे को उसको वीडियो कॉल कर रही है, अभी बेटे को छोटे बच्चे बेटे को मतलब इसका वीडियो बनाना है यार, मुझे ठंडा लग गया। बैठ जाओ ना सीट ले लो बैठने के लिए। यहाँ से यहाँ से अच्छा दिखेगा, ऊपर से अच्छा दिखेगा, यहाँ से कहाँ ऊपर है ना हाल है। अगर होने वाला उस वक्त कहाँ थे? बंद हो चुका है, बंद हो गया, 10 बजे बंद हो जाता बंद हो चुका है ऑलरेडी। मैंने ना उसको आके यहाँ पे बैठी हुई थी बात कही, मैंने कहा वो आगे आगे हमको जाके बोलना शुरू होने वाला है। करते करते यहाँ हम गए थे वहाँ एयरपोर्ट के लिए, हम पहुँच गए वापस होटल। सो हियर वी आर अगेन। इतना इजी बिना टैक्सी के घूम जाते भाई हम सारी तरफ। अब हम लेते हैं कि आई थिंक मेरा क्रू आ ही गया है, ऐसे चलते Thank you.
टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस मैं हूँ अभी सिंगापुर लेवर पर, व्लॉग हो चुके हैं ऑलरेडी स्टार्ट और मैं जा रही हूँ आप लोगों के लिए मेरे पास रेडी होने के लिए। ऊपर गई थी वॉइस ओवर देने के लिए आप की वीडियोस वगैरह को, तो वो वॉइस ओवर दिया, अब जाना है लाइव, बहुत काम है यार रेडी होने में जाना है। थोड़ी गर्मी लग रही थी मेरे को और अब मैं बाहर आ चुकी हूँ और मैं होटल के अंदर ही हूँ और मैं जा रही हूँ यार अभी लाइव जाना है, उससे पहले मुझे रेडी भी होना है। सो या लेट्स गो। ये हमारा खूबसूरत सा होटल, यहाँ पे हमने किया था सुबह ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट अभी बंद हो चुका है और उसके बाद ये हूँ मैं और ये हो आप और अभी हम जा रहे हैं रेडियो निकले क्योंकि आपको बहुत ही मज़ेदार व्यू दिखाने जा रही हूँ जो हम कल रात में नहीं देख पाए थे। सो ये थोड़ा सा एयरपोर्ट के अंदर ही होटल है, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होटल मैं बोलना चाहूँगी, बट अगर आप थोड़ा सा जाओगे इधर उधर घूमोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे जाना है। और इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर एवर कमिंग फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेक श्योर कि आप वेजिटेरियन, अगर वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन फूड लेके आ रहे हो, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आना जाना अपने साथ, लाइक रेडी टू ईट वाली चीज़ें मैगी ले आना या फिर क्या बोलते हैं पराठे वगैरह जो ख़राब ना हो, कम विद दैट बिकॉज वो आपके लिए ईजी रहेगा क्योंकि यहाँ पर वेजिटेरियन फूड ढूंढना मुश्किल है, अदरवाइज मिल जाएगा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बट ढूंढना पड़ेगा एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बेटर टू कम विद द फूड मैं ये बोलूँगी। क्रू एडवाइस जो मैंने अपने फर्स्ट लेवल पर मिस्टेक करी थी और आई डोंट वांट आप लोग भी सेम चीज़ करो। ओके बाय। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड दिस इज़ माय आउटफिट और मैं अकेले जा रही हूँ अभी, सिर्फ ही एयरपोर्ट के अंदर ही जा रही हूँ और होटल के बस टनल में से मेरे को जाना है। आई हैव टू टेक अ लाइव फॉर यू और आई वांट कि मैं अच्छी सी चीज़ें आप लोग को दिखा पाऊँ, सो इसलिए मैं सज धज के जा रही हूँ आप लोगों के लिए एंड आई एम गोइंग टू टेक अ लाइव सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, सो लेट्स गो। तो मैं ले सकती हूँ लाइव होटल के अंदर भी, बट आई वॉन्ट द बेस्ट व्यू इसलिए मैं चल के जाऊँगी 10 मिनट तक आप लोग के लिए। सो लेट्स गो। भागती भागती पहुँच चुकी हूँ अपनी लोकेशन पे, मैं को दिखाती हूँ। सो हेयर आई एम, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार, कितना प्यारा लग रहा है, कैमरा फोकस ही नहीं हो रहा है। सो फाइनली आ चुकी हूँ, लेट्स सी, लेट्स गो फॉर द लाइव एंड फिर मिलते हैं। अभी हम आ चुके हैं होटल और हमने बना लिया वीडियो गाइस और दिस इज़ हाउ माई सिंगापुर लेवर इज़ गोइंग ऑन, आप लोग के लिए वीडियो बना बना के। और ऑल द मेरे को जाना नहीं था बाहर क्योंकि मेरे क्रू सेम जगह पे जाते थे, मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ और मैंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए हैं और मुझे अपना अभी अपना बैग पैक करना है जो मुझे लगता है कि मैं लेके खरीद तो लिया और मुझे लगता नहीं कुछ आएगा उसके अंदर। सो अभी तो सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे उसी चीज़ की है कि मैं कैसे करने वाली हूँ वो चीज़। आई हैव नो क्लू अबाउट इट। बैग पैक करना है, चेंज करना है और सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। सो लेट्स सी मैं कैसे करती हूँ, होपफुली टाइम से चीज़ें हो जाए और क्योंकि फ्लाइट के लिए भी निकलना है। डिफिकल्ट।